बस ये तक ख्वारी इसलिए मुनीम भाई होती एक है दफा क्योंकि पे चिराग इंसान मिला, मुनीम भाई ने कैसे उसमें जिन निकल आया। ये ज्यादा हो गया, नहीं हंसने वाली बात नहीं थी, हर बार नहीं होता फैसला बात नहीं बोले तो हर जुगत मारे ये मेरे अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुनीब, मेरे साथ इरफान जुनेजो और जो भी शो नॉट कमिंग स्लो। आज इरफान की तबीयत थोड़ी सही नहीं है क्योंकि पिछले दो दिन से ये सोए नहीं, काम 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 दिन रात करें हम काम। तो यहाँ सोया हूँ मैं, यहाँ मल्टीफॉर्म में भी नहीं सोया। तो सीन्स को जैसे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है शॉपिंग एक्सपीरियंस ऑफ कराची की रांची, क्योंकि भैया हम दोनों ने मतलब जब तक इरफान भाई ब्रांडेड नहीं हुए थे तो अबे छोड़ दे ब्रांडेड हो यार, माइक ड्रॉप हो चुका है लास्ट टाइम, छोड़ दे उसको। तो भैया तो हम लोगों ने बहुत एक्सप्लोर किया कराची को, क्योंकि अभी भी करते हैं यार, अभी भी करते हैं। हाँ यार वो दौर मुझे याद है जब एक्सट्रीम वेयर एक शॉप होती थी। हाँ यार, यार उन्होंने बड़े पैसे खर्च किए, वैसे बहुत खर्च किए, हमें लूटता था वो बंदा। हाँ वैसे डिजाइन थे वो कॉक यार, असल में उस वो टी शर्ट्स बड़ी नॉर्मल क्वालिटी की टी शर्ट्स होती थी, प्रिंट ऐसे लेकिन कूल कूल बॉयज वाले जो प्रिंट होते ना, कराची और वो निर्वाणा निर्वाणा ये भी स्लेयर, हम भरम कैसे मारेंगे कि हम निर्वाणा सुनते हैं जब तक शर्ट में निर्वाणा नजर नहीं आए। और दूसरा उस वक्त सीन ये था कि स्कूल के अंदर भी ना कूल दिखना होता था, फेयरवेल पार्टी में, ईद मिलन पार्टी में, छोटी छोटी कुछ छोटी ईद मिलन कैंसिल हो गई, मेरी जिंदगी की लाइट चली गई। ईद मिलन कैंसिल हो गई यार, डिप्रेशन में चला गया बंदा, ईद मिलन। तो उन चक्रों में शॉपिंग की थी मैं झूठ नहीं बोल रहा, कसम खा रहा हूँ, मैं ईद की शॉपिंग ईद मिलन सोच के करता था। और साथ ही तो करते थे हम लोग जाके। तो यार सीन्स को जैसे कि कराची में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ आपको सस्ते और बड़े अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, सस्ते से मतलब नॉन ब्रांडेड भी और ब्रांडेड भी, जो एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर होते हैं और उनमें से कराची वाले ज़्यादा लोगों को ज़ैना मार्केट पता है, ज़ैना मार्केट पता है। उसके बैक साइड पे एक और मार्केट है रेक्स, जहाँ रेक्स पे ज़ारा मिलता है सारा। और अगर आप थर्ड फ्लोर पर चले जाए तो भैया आप खुद अपनी मर्जी की शर्ट बनवाए और पे ज़ारा लिखवाए और पे ज़ारा लिखवाए। मैं पहले जब पार्क टावर्स में जाता था ना, मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगता था। पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा गया ना, मैंने सुना था मैंने बड़ी कूल जगह में गया, मैंने बोला यार यहाँ पे सब अमीर लोग हैं, मैं छोटा छोटा। हाँ, और उसके बाद फोरम में जब पहली दफ़ा गया तब भी ऐसा फील किया, फिर जब हाइपर स्टार में गया मैंने बोला भाई यहाँ ये तो गेम थी, अपने तो जगह ही नहीं है। और क्योंकि और हुआ भी ऐसा ही था, क्योंकि जब पहली मरतबा गए तो हम जा सके थे, जब दूसरी मरतबा हम हाइपर स्टार गए तो हमें अंदर ही नहीं जाने दिया, क्योंकि उस दिन फैमिली अलग टॉपिक है, फैमिली डे वाला दिन था। खैर ज़ैना मार्केट, रेक सेंटर, तारिक रोड ये तीन, तारिक रोड में भी कुछ मतलब आपको मॉल्स नहीं, हाँ मॉल्स के अलावा शॉप्स हैं। हाँ मैं एक बात बताऊँ, ईद मिलन पार्टी से मुझे याद आया, मुनीब और इन्होंने मुनीब और फ़तेह ने मुझे बोला, फ़तेह एक और दोस्त है हमारा, फ़तेह ने बोला यार हम एक जगह है बड़ी टाइट है, वो डॉलमेन सेंटर में, मॉल में नहीं है, वो कौन सी थी फर्स्ट फ्लोर पे यार, वो पता नहीं कोई अजीब सा नाम था, आउटलो पता नहीं इस तरह कुछ नाम था ना। मैंने बोला यार बड़ी कूल जगह है यार, वहाँ पे गैस की चीज़ें मिल रही हैं और ये मिल रहा है वो मिल रहा है। वो याद है वो जीन्स, वो चेन वाली जीन्स यार मुझे ये लेके गए हम स्कूल से, मैं पैसे वैसे लेके आया, मुझे लेके गए ये लोग शॉपिंग करेंगे आज। वहाँ मैं गया, घड़ियाँ बेल्टें और फुल छिचोरी ड्रेसिंग, पता नहीं उस जगह का नाम मुझे नाम यार, पैसे वो थे यार। शॉपिंग सिटी पर कुछ अजीब सा नाम था, कुछ था खैर बड़ा ग्लैमर नाम था। हाँ तो एक और जगह है जो हमारी जिंदगी में बहुत एक बाब रखती है, लाइट हाउस। अच्छा लाइट हाउस क्योंकि हम फुटबॉल खेलते थे। हाँ। और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार। यार मेरी अम्मी ने मुझे, मेरी अम्मी कहती थी, मेरी अम्मी को काफ़ी बुरा लगता था, मैं अगर कल को मेरे बच्चे भी लें तो मुझे बुरा लगेगा, यार लाइट हाउस में लुंडा मिलता है सही। हाँ। है यूज्ड, मेरी अम्मी कहती थी तुम्हें जो लेना है तुम मुझसे पैसे लो, तुम ओरिजिनल ले लो, तुम लुंडा के नहीं लोगे जूते। मैं बोलता था अम्मी वो मिलते ही नहीं है कहीं, अबे एडिडास प्रीडेटर सीरीज जब यहाँ पे एडिडास की दुकान भी नहीं थी वहाँ मिल रहे हैं 300 रुपए के, 300 रुपए का फ्रेश पीस, फ्रेश। हम गए जूता लेने ना, तो फतेह भाई को पसंद आया तो उसने बोला भाई, हमने बोला कितने का जूता है, उसने बोला कि भैया 2000 रुपए का। अच्छा वो भी टेक्निक होती थी, जो डिस्प्ले पे पिक्चर उसने लगाए ना जूते वो अलग हैं और अंदर पेटी के अंदर जूते अलग हैं, तो आपको कन्विंस करना पड़ता था पठान को कि भाई नीचे से पेटी निकालो
उसमें असल माल है, ट्रेजर सारा उसमें था। तो हमने बड़ा मुश्किल से उनको कन्विंस किया, पठान को उसने पेटी निकाली, उसने हमें जूते दिखाए, उसमें वाइट प्रीडेटर रखे हुए थे, जो कैंगरू लेदर वाले थे, जो बाद में फतेह ने ओरिजिनल खरीदे वो निकाले। फतेह ने बोला, उस हमने पूछा कितने, उसने बोला 2,000 रुपये के। फतेह बोला नहीं। अच्छा, मैं कहा फतेह सोचेगा कि यार इसको बोलते हैं बस 1,000 रुपये में डन करते हैं। तो उसने बोला भाई आप अपना रेट बताओ। फतेह भाई ना ज़्यादा ही दिल पे ले गए थे लाइट हाउस को, उन्होंने बोला 300 रुपये। पठान ने बोला इस गली में जितने जूते हैं ना इतने मारूंगा, निकल तुम लोग बेवकूफ यार बनाते एक जमाना था, एक जमाना था कि जब लाइट हाउस में आप जाते हैं आपको अच्छी डील मिल जाती है, उसके बाद लाइट हाउस और ओरिजिनल तकरीबन एक ही लेवल पे आ गया, तो हमने लाइट हाउस जाना छोड़ दिया यार। और वहां पे सबसे मशहूर शॉप थी जहाँ से हम लोग अपनी किट्स वगैरह बताओ लेते थे, रोनाल्डो रोनाल्डो, स्पोर्ट्स। वो उसने तो भाई उसने तो डिफेंस में दुकान खोल ली, वो डिफेंस तो में दुकान बंदा खोल ली, बड़ा इन हो या गया। मतलब उसके पास जितनी भी नई किट्स होती थी ना वो पूरे कराची के अंदर सिर्फ आपको रोनाल्डो स्पोर्ट्स में मिलेंगी और कहीं नहीं। जब लाइट हाउस पे इन्फ्लेशन पड़ने लगी तो फिर हमने और जगह का रुख किया और फिर हम पहुंचे संडे बाजार। वो एक्सप्लोर किया था फतेह ने, क्योंकि फतेह हाँ, उसके फतेह भाई डिफेंस शिफ्ट डिफेंस हो शिफ्ट हुए थे, चुके। तो उन्होंने बोला कि दादा एक और जगह ढूंढी है लंडे की, संडे को लेकिन लगता है वो है संडे मार्केट, आ जाओ। हम गए वहाँ से, जितने वैंस हमने संडे मार्केट से खरीदे ना हमने कहीं नहीं। भाई इरफान भाई को वैंस का शौक ही संडे मार्केट से पैदा हुआ। व्हाट इज ये तो ओरिजिनल है, लेकिन उस वक्त हम अब लोग तो है ना ब्रांड आम ना अपराध ना, तो ये यार, वाला लेकिन सीन अगर आज भी संडे बाजार लगता ना रेगुलर, तो हम मैं जाते हैं। जाता हर हाँ, एक एक दूसरा संडे छोड़ के मैं जरूर जाता यार, मेरे इधर दर्द होता है, संडे बाजार नहीं संडे लगता। लेकिन मार्केट संडे से। बाजार रिप्लेस हो चुकी है, वो हम आपको बताएंगे कहाँ लगती है, वो हाँ मुनीब भाई को आप एग्जैक्ट लोकेशन बताएं। लेकिन यार संडे बाजार में ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती थी, मेरे दोस्त ने संडे बाजार से विंटेज लेंसेज उठा के लाए जो आज भी वो अपने को 2-2 लाख रुपए के DSLR पे लगा के चला रहे चला हैं। रहे हैं। और हमने फ्लैश गन मैंने वहाँ से उठाई थी अपने उस कैमरे के लिए, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने वहाँ से उठाई थी। जो एसेसरीज वहाँ पे मिलती थी ना, मतलब फैशन रिलेटेड हो या दूसरी, बस ये तक ख्वारी इसलिए मुनीब होती भाई थी एकदम वहाँ क्योंकि पे चिराग छान। मिला, मुनीब भाई ने कहा उसमें जिन निकल रहा है। ये ज़्यादा हो गया, नहीं हंसने वाली बात नहीं थी, हर बार नहीं होता, फैसला बाद में नहीं हुए तो हर जुगत ये मेरे ये ऑफ यार मुनीब भाई, मुनीब भाई ना आजकल मुझ पे पॉइंट मारने लगे। ये होता है इसको कचरे से उठा के हमने स्टार बनाया, पहले ये मेरा जोक फनी भी नहीं होता था उस पर हंसते थे, अब फनी वाले पे भी नहीं हंसते यार। व्हाट इज तो भैया एक सीन था, नहीं पहले हंसोगे तुम, मैं दोबारा जोक बोलूंगा तुम हंसोगे। अच्छा वो कौन ठीक सा है, जोक था अभी, किस कौन सा था के मुनीब भाई ने एक और जगह एक्सप्लोर क्या किया। अबे कौन सा जोक था, क्या जोक था यार, भाई आपको अगर याद आ जाए तो कमेंट में बता एक मिनट एक मिनट एक दीजिएगा। मिनट, मैं रिमाइंड करके देखता हूँ। हाँ याद आ गया भाई, एक दफ़ा हम संडे बाजार गए, तू हंसेगा। अच्छा पक्का। एक दफ़ा हम संडे बाजार गए तो हम ऐसी चीज़ें भी तो देख रहे हैं, मुनीब भाई को एक चिराग नजर आया, वो पुराना सा लग रहा है ये वो, मुनीब भाई ने घिसा उसमें से झिंग वो संडे मार्केट शिफ्ट हो गया मेट्रो जो है ना सफाई पार्क वाला, हाँ उसके सामने। नहीं, हाँ, अबे संडे बाजार वहाँ नहीं, गल्फ के आसपास वो तो, के हाँ वो तो दादा प्लाजा बन गई बना दिया है, हाँ, वो गल्फ के साथ जूते वाले वाले पठान वहां चले गए, जूते वाले सारे पठान उधर चले गए, वो यार डाकू टीज हम इंकलाब ले आएंगे हाँ शर्टों पे शर्टों के लिख अंदर। ये आजकल जो जो है ना ये जो ऑनलाइन यार एक शर्ट थी देसी एंड प्राउड, देसी एंड पता तो नहीं मतलब था, हाँ एक्सट्रीम वेयर और डाकू टीज ये ऐसा ब्रांड्स थे जो हाँ मतलब बहुत ना नेक्स्ट लेवल, इनकी प्रिंटिंग मतलब जो क्या कहते हैं उसको जो लिखा होता अब है कूल बरमबाजी थी, हमें अच्छा लगता था कि हमारी शर्ट बने भी रहे। कूल, कुछ क्रेजी नया तो अलग। अगर मेरी शादी होने वाली हो तो हाँ शेरवानी कहाँ से बनवाऊँ कि वो लगे कि वो कोई दीपक परवानी की हो, वो ये कोई जमील की, यार मैं मुझे बोलता हूँ, बताना यार अरे गवर्नमेंट। कुर्ता गली के अंदर है, अंदर जाते हैं राइट साइड पे, पहले तो मुझे नाम नहीं हाँ पता, उसके पास दुनिया की कोई भी शेरवानी ले जाओ, हाँ बोलता भैया भाई बैठा है ना हाँ आपका। ये अगर किसी को पता है तो बताना, लड़कियों का मैं दोबारा बताया तो मैंने जगह कंफर्म कर ली है, डॉलमन मॉल के सामने मॉल है साइमा मॉल, साइमा मॉल के ग्राउंड फ्लोर पे बंदे की दुकान है, बंदे का नाम है मिनहाज, आप पूछेंगे आपको पता चल जाएगा, उसके पास आप कोई डिज़ाइन ले जाएं वो आपको छाप देगा, टैग भी बना देगा, यार जो टैग एक साबिया एक साची। ए, हाँ एक जो सबसे बड़ा मसला है ना हमारे मतलब शॉपिंग का हाँ वॉइस के सीन का, हाँ हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम है। हमें चाहिए भी नहीं वैसे ऑप्शन, हाँ लेकिन दादा बहुत ऑप्शंस कम है, और तो मैं जाता हूँ ना अम्मा के साथ बहन के साथ,
इतने ऑप्शन है, इतने ऑप्शन है, मतलब किसी मार्केट में चले जाओ, इतने ऑप्शंस, हर तरह का ऑप्शन। बस हो गया, अच्छा चलो भाई तुम्हें भी ढूंढना था पॉइंट, नहीं तुम्हें भी कम ढूंढना बैक करना था। खैर ये ब्रांड आ गए हमारे पास, था। नहीं, अब इनको हम कचरे से उठा के लाए और अभी हमारे सामने बोलेंगे, आज सीरियस हो जाएंगे लोग, मुनीब भाई को ऐसा नहीं बोले, मुनीब भाई को हम बड़ा पसंद करते हैं यार, ये हमारे भाई हैं। सही है, ये हमारे तो बड़े भाई हैं। हमारे बड़े भाई हैं यार ये। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा हैप हैजर्ड से शो बड़ा पसंद आया होगा। मैं नींद में हूँ, मैं स्लीप इसको हाई चल कुछ रहा ही नहीं हूँ, समझ आया इसने क्या बोला, मुझे नहीं याद मैंने क्या बोला। तो गलती माफ़ और अल्लाह हाफिज़।